अल्लाह पल पल के संदेश विचार कला मनोरंजन परसे हरदम जनक नंदनी एफएम सदखन सुनो जन जन जनक नंदनी एफएम सदखन सुनो जन जन नमस्कार। जनक नंदिनी एफएम 95.5 मेगाहर्ज आ सेंचुरी टाइम्स के पेज से एक साथ प्रसारण भ रहल एखनुक जनक नंदिनी समाचार में अपने के स्वागत है। हम दीपक शुरू करी अखन धरक मुख्य समाचारक शीर्षक से भारतक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भेल निधन, राष्ट्रपति भंडारी द्वारा दुख व्यक्त। काठमांडू महानगर पालिकाक मेयर विद्या सुंदर साके के कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमण से सोम दिन थप 7 गोटे के मृत्यु, प्रदेश 2 में 4 गोटे संक्रमित के मृत्यु। प्रदेश 2 में सोम दिन प्रदेश सभा के 5 गोटे कर्मचारी सहित 196 गोटे संक्रमित। कोरोना संक्रमण से महोतरी में एक 4 वर्षीय बालिका के भेल मृत्यु। महोतरी में छठम बेर भादो 22 गते रात 12 बजे धर के लिए निषेधाज्ञा लगाओल गेल। धनुषा में कृत्य नागरिकता संबंधी 3 वर्ष में 18 उजुरी, कार्यवाही करे वाला निकाय मौन। पुजारी हत्या में संलग्न 2 गोटे आरोपी पकड़ायल, वार्ड अध्यक्ष सहित 4 गोटे अखनो फरार। जनकपुर में युवा सब जरौलक भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल के पुतला आ बीरगंज के मेयर विजय सराबगी के पितृ शोक। अब समाचार विस्तार सं सरकार नेपाली कामदार रोजगार गंतव्य में पठाव, श्रम स्वीकृति खुला करबाक निर्णय कलक। रवि दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से रोजगार खुला केने गंतव्य देश के हक में श्रम स्वीकृति खुला करबाक निर्णय कल गेल। समझौता कल गेल देश सब के लिए श्रम स्वीकृति खुला करबाक निर्णय कल गेल। सरकारक प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा जानकारी दिलन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव में श्रम गंतव्य के मांग के आधार में श्रम स्वीकृति खुला करबाक निर्णय भेल। चौकलन बेसी समय से श्रम स्वीकृति अड़कल छल, श्रम स्वीकृति खुला करबाक निर्णय से रोजगार गंतव्य में जाय के तैयारी श्रमिक के लिए सहज बन सकत। बैसार से भादो 16 गते से शुरू करे लागल नियमित अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान के संख्या थप के निर्णय सेहो कयल गेल। ऐसे पहिने सरकार दैनिक 500 से बेसी नागरिक नई आनो जका हवाई उड़ान खुला करबाक निर्णय कने छल। रवि दिनक मंत्रिपरिषद से उड़ान संख्या थप करबाक निर्णय क 800 धरि यात्रु नेपाल आब पेबाक व्यवस्था कयल गेल। भारतक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोरोना संक्रमण के कारण निधन भेल। आरआर अस्पताल में इलाज के क्रम में सोम दिन सांझ 84 वर्षक उमेर में हुनक निधन भेल। मुखर्जी के पुत्र अभिजीत ट्विटर मार्फत हुनक निधन के खबर सार्वजनिक केने छथि। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी के लंबा समय से वेंटिलेटर में राखि कऽ इलाज चल रहल छल। मुखर्जी के सैनिक अस्पताल में बीतला साउन में मस्तिष्क के एक साइड के इमरजेंसी ऑपरेशन सेहो कयल गेल छल। ऑपरेशन पश्चात हुनक अवस्था चिंताजनक बनलाक बाद वेंटिलेटर में राखल गेल छल। हुनका बीतला साउन 26 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। सन 2012 से 2017 धरि भारतक राष्ट्रपति भेल मुखर्जी विदेश मंत्री सेहो बनल छला। एहि बीच नेपालक राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी भारतक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन प्रति दुख व्यक्त केने छथि। ओ सोमक सांझ ट्वीट करत कहने छथि, भारतक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भेल दुखद निधन से मर्माहत बनल छी। नेपाली जनता, नेपाल सरकार तथा हमर व्यक्तिगत दिस से भारतीय जनता, भारत सरकार आ शोकाकुल परिवार प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करैत छी। हुनक निधन से नेपाल एक असल मित्र गुमौने से राष्ट्रपति के शोक संदेश में उल्लेख अछि। काठमांडू महानगरपालिकाक मेयर विद्या सुंदर साके के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। 2 दिन पहिने स्वाब देने हुनका सोम दिन कोरोना पुष्टि भेल। मेयर साके के सचिवालय के अनुसार हुनक पत्नी के
हुनक पत्नी बीमार पड़लाक बाद शाक्य दंपति स्वाब देने छलथि, मुदा हुनक पत्नी के संक्रमण नहीं भेटल रहितो मेयर शाक्य संक्रमित भेल से बताओल गेल अछि। पछिला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से देश में थप 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना के कारण जान गुमा वाला के संख्या 228 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार पछिला 24 घंटा में 3 महिला सहित 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि। सोम दिन कोरोना से मृत्यु होवे वाला में महोतरी के एक बचिया, गोरखा में 2 महिला, झापा, रोहतक, चितवन आ भक्तपुर में एक एक का 4 पुरुष के मृत्यु भेल। मंत्रालय के प्रवक्ता गौतम जानकारी देलन। तहिना नेपाल में पछिला 24 घंटा में 899 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि, जाहि मध्य 330 महिला आ 596 पुरुष अछि। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भोला रिजाल के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। डॉक्टर रिजाल संगे हुनक पत्नी के सेहो कोरोना पुष्टि भेल अछि। स्वयं शनि दिन कोरोना अपना में शनि दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल से डॉक्टर रिजाल बतौलन। शनि दिन कोरोना पुष्टि भेलाक बाद रवि दिन से हेम्स अस्पताल में भर्ना भेलो जानकारी देलन। स्वास्थ्य कर्मी सब कोरोना के जोखिम में छी, वह क्रम में हमरा सेहो कोरोना पॉजिटिव भेल, हमरा संग हमर पत्नी के सेहो कोरोना पुष्टि भेल। डॉक्टर रिजाल कहलन शनि दिन कोरोना पुष्टि भेलाक बाद रवि दिन हम सब दुनू गोटे हेम्स अस्पताल में भर्ना भेल छी। अस्पताल में भर्ना भेलाक बाद अखन कोरोना के लक्षण नहीं रहल आ स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल से ओ जानकारी देलन। रवि दिन किछ समस्या भेल छल तें अस्पताल भर्ना भेलौ, ओ कहलन एखन हमर अवस्था सामान्य अछि, लक्षण सब खास नहि अछि। ओ रोगी के स्वास्थ्य इलाज करैत काल चिकित्सक सब कोरोना संक्रमित हेबाक आ परिवार के सेहो लागि सकबाक जोखिम बेसी रहल बतौलन, मुदा कोरोना संक्रमण होइते में हड़बड़ाए के स्थिति नहि रहल। ओ कहलन हमरा सब मध्य ककरो भी कोरोना संक्रमण भ सकैत अछि, मुदा कोरोना लागि गेला पर हड़बड़ाए नहि पड़ैत अछि। हमरा एखन धरि ठीक अछि, जल्दी निक हैब से आत्मविश्वास अछि। चिकित्सक के कोरोना संक्रमण भेल तो नै निक व्यवहार नै करी, सबके स्वास्थ्य आ इलाज में खटे वाला चिकित्सक के सम्मान करी, कोरोना लाग सकत अछि सचेत बनी से ओ बतौने छथि। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव मंत्रालय बनाबे लागल विभिन्न योजना सब के निर्माण स्थल के सोम दिन निरीक्षण कलने से। ओ जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 23 में निर्माण होवे वाला बाल सुधार गृह, पुनर्स्थापना केंद्र आ शहीद पार्क सहितक योजना सब के निर्माण होवे वाला स्थल बिन्ही जाकर वस्तु स्थिति के बारे में स्थलगत रूप में जानकारी ले लेने छ। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्र, योजना कार्यान्वयन स्थल वार्ड नंबर 23 के वार्ड अध्यक्ष शत्रुधन पांडे, वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह सहित मंत्रालय के कर्मचारी सब सहित पहुंचल टोली निर्माण स्थल, निर्माणक औचित्य, संभाव्यता आ कार्यान्वयन के विषय में जानकारी लेने छल। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री यादव प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के रूप में रहला से निर्माण के स्थलगत अवलोकन के ने जानकारी देलन। मंत्रालय के बहुवर्षीय योजना अंतर्गत करोड़ों के लगानी में समाज के लिए अति आवश्यक रहल बाल सुधार गृह के लिए 18 कट्ठा, सुधार गृह आ सेफ हाउस के लिए 15 कट्ठा जगह छनौट भेल आ शहीद पार्क के लिए संभावित 13 बीघा जगह के अवलोकन केने से जानकारी देलन। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका अनुमति द चुकला से अब गुठी संघ के अनुमति आ समझौता के बाद औपचारिक रूप में निर्माण के काज शुरू कयल जायत। निरीक्षण में आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा सेहो सहभागी छलाह। प्रदेश नंबर 2 में पछिला 24 घंटा में 44 महिला सहित 196 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। सोम दिन सरलाही में 100, परसा में 34, धनुषा में 29, बारा में 23, महोतरी में 7, रौथड में 2 आ सप्तरी में 1 गोटे संक्रमित भेल अछि। एहि संगे प्रदेश में संक्रमित के संख्या 10218 पहुँचल अछि। संक्रमित मध्य 8667 पुरुष आ 1551 महिला रहल। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशालय के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य
प्रशासक विजय कुमार झा जानकारी देलनि। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगंज आ गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल राजविराजमा कयल गेल परीक्षणमे 196 गोटे के रिपोर्ट पोजिटिव आयल छ। वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक झा बतौलनि, सरलाहीमे संक्रमण पुष्टि भेल सब धनकौल गाउँपालिका के 21-65 वर्ष उमेर समूह के 7 गोटे पुरुष, भरतवा नगरपालिका के 12 वर्षीया एक बचिया, 45 वर्षक एक महिला एवं 53 वर्षक एक पुरुष, ब्रह्मपुरी गाउँपालिका के 16-68 वर्ष उमेर समूह के 16 गोटे महिला आ 13-77 वर्ष उमेर समूह के 64 गोटे पुरुष, गोरैता नगरपालिका के 22 आ 44 वर्षीय 2 गोटे महिला एवं 31-32 वर्ष उमेर समूह के 3 गोटे पुरुष आ रामनगर गाउँपालिका के 29-50 वर्ष उमेर समूह के 5 गोटे पुरुष छ। पर्सा के वीरगंज महानगरपालिका 24 बहुअरी के 80 वर्षक एक वृद्ध, जीरा भवानी गाउँपालिका के 22 वर्षीय एक महिला आ 24 वर्षक एक पुरुष, धोबनी गाउँपालिका के 55 वर्षक एक पुरुष, कालिकामाई गाउँपालिका के 66 वर्षीय एक महिला आ 16-50 वर्ष उमेर समूह के 8 गोटे पुरुष एवं ठेगाना नहीं खुज सकल 31 वर्षक एक पुरुष संक्रमित भेलै छ। धनुषा के संक्रमित सब जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 7, 14 आ 23 के 18-30 वर्ष उमेर समूह के 4 गोटे पुरुष, क्षीरेश्वरनाथ नगर पालिका के 22 वर्षीय एक महिला आ 45 वर्षक एक पुरुष, नवील बैंक के 34-51 वर्ष उमेर समूह के 3 गोटे पुरुष, धनौजी गाउँपालिका 1 के 40 वर्षक एक पुरुष, बेंगा पिपराड़ी 19 के 50 वर्षक एक पुरुष, मिथिला नगरपालिका 9 बरहरी के 63 वर्षक एक पुरुष, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 4 के 16-98 वर्ष उमेर समूह के 7 गोटे पुरुष, नगरायण नगरपालिका के 33 आ 45 वर्षक 2 गोटे पुरुष, जनकनंदिनी गाउँपालिका 4 के 20 आ 33 वर्षक 2 गोटे पुरुष आ प्रदेश सभा जनकपुर के 18-22 वर्ष उमेर समूह के 3 गोटे महिला आ 17 एवं 20 वर्षक 2 गोटे पुरुष छ। बाड़ा के महागढ़ी माई नगरपालिका के 25 वर्षक एक पुरुष, कोलबी नगरपालिका के 28-46 वर्ष उमेर समूह के 3 गोटे पुरुष, हरदिया पीएचसी के 51 आ 68 वर्षक 2 गोटे पुरुष, कोरोना अस्थायी अस्पताल जीतपुर के 33-73 वर्ष उमेर समूह के 3 गोटे महिला आ 20-44 वर्ष उमेर समूह के 4 गोटे पुरुष, तथा इंट्रेपिड नेपाल के 38-40 वर्षक 2 गोटे महिला एवं 22-54 वर्ष उमेर समूह के 8 गोटे पुरुष संक्रमण के चपेटा में पड़ल छथि। महोतरी के संक्रमित सब जलेश्वर नगरपालिका 17 के 26 वर्षीय एक महिला, जलेश्वर नगरपालिका घर व हाल काठमांडू के पाटन अस्पताल में इलाज कराब रहल 62 वर्षीय एक महिला, बलवा नगरपालिका 1 के 26 वर्षक एक पुरुष, बर्दिवास नगरपालिका के 32 आ 45 वर्षीय 2 गोटे महिला, मनरा सिस्पा नगरपालिका 1 के 4 वर्षीय एक बालिका आ परकौली 5 के 75 वर्षक एक वृद्ध छथि। रौथट के गौर अस्पताल के 35 वर्षीय एक महिला आ यमुना माई गाउँपालिका 3 के 40 वर्षक एक पुरुष संक्रमित भेल छ। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका 9 के 32 वर्षीय एक महिला सेहो कोरोना संक्रमण के चपेट में पड़ल छ। प्रदेश भर में सोम दिन धरि सप्तरी में 14,268, सिरहा में 7,030, धनुषा में 11,111, महोतरी में 5,877, सरलाही में 11,833, रौथट में 20,330, बाड़ा में 8,869 आ परसा में 18,813 का जमा 98,131 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल मध्य 10,218 गोटे संक्रमित भेल त 82,503 गोटे के रिपोर्ट निगेटिव छ। तेना सप्तरी में 1,197, सिरहा में 195, धनुषा में 600, महोतरी में 300, सरलाही में 1,200, रौथट में 931, बारा में 803 आ परसा में 184 का कुल 5,410 गोटे के रिपोर्ट आब बाकी छ। प्रदेश में सोम दिन सप्तरी में 207, सिरहा में 25, धनुषा में 351, महोतरी में 69, सरलाही में 341, रौथट में 77, बारा में 220 आ परसा में 184 का 1,474 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल। प्रदेश 2 के 8 जिला के विभिन्न ठाम में निर्माण कयल गेल 10,027 बेड क्षमता के 196 टा गोटे के राखल गेल छ। 1,588 गोटे होम क्वारंटाइन
सिरहा में 142, धनुषा में 69, महोतरी में 19, सरलाही में 104, रौथर में 75, बारा में 74 आ परसा में 496 के 1,100 गोटे के भर्ना कैल गए। तहिना प्रदेश में सप्तरी में 61, सिरहा में 3, धनुषा में 597, महोतरी में 767, सरलाही में 722, रौथर में 745, बारा में 415 आ परसा में 781 के 4,019 गोटे होम आइसोलेशन में छे। प्रदेश दू में सबसे बेसी परसा जिला में 2,207 गोटे संक्रमित भेल छे। रौथर में 1,633, धनुषा में 1,547, सरलाही में 1,547, महोतरी में 1,243, बारा में 853, सप्तरी में 790 आ सिरहा में 398 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल छे। प्रदेश दू में सक्रिय संक्रमित के संख्या सोम दिन धरि 5,191 रहल। सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक पछिला 24 घंटा में प्रदेश में 88 गोटे अस्पताल से डिस्चार्ज भेल छै। डिस्चार्ज होवे वाला में सप्तरी के 8, सिरहा के 20, धनुषा के 6, महोतरी के 12, बारा के 5 आ परसा के 37 गोटे छै। एहि संगे एखन धरि प्रदेश में सप्तरी के 602, सिरहा के 301, धनुषा के 869, महोतरी के 447, सरलाही के 718, रौथर के 808, बारा के 296 आ परसा के 896 के 4,937 गोटे संक्रमित सब डिस्चार्ज भक अपन अपन घर घूर चुकल छ। प्रदेश दू में अखन धरि परसा में 34, बारा में 13, धनुषा में 12, महोतरी में 10, सिरहा में 7, सप्तरी में 6, रौथर में 5 आ सरलाही में 3 के 90 गोटे के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भ चुकल। सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक अछि। प्रदेश नंबर दू में पछला 24 घंटा में 4 वर्षीय एक बालिका सहित 4 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल छ। एहि संगे प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होवला के संख्या 90 पहुंचल छ। मृत्यु होवला में महोतरी के एक बालिका आ एक महिला तथा रौथर आ परसा के एक एक गोटे पुरुष रहल। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झा जानकारी देलन। महोतरी के मंडरा सिस्पा नगर पालिका एक के 4 वर्षीय बालिका के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल छ। 29 गते रिपोर्ट पॉजिटिव आयल बालिका के रवि दिन मृत्यु भेल। वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक झा बतौलन। तहिना महोतरीक जलेश्वर नगर पालिका दू के 62 वर्षीय महिला के इलाजक क्रम में काठमांडू पाटन अस्पताल में मृत्यु भेल छ। उमर रौथट के यमुना माई गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के 40 वर्षक पुरुष आ बीरगंज महानगर पालिका 24 बहुअरी के 80 वर्षीय वृद्ध के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेल। सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक अछि। कोरोना संक्रमण से प्रदेश दू में अखन धरि 16 महिला आ 74 पुरुष के 90 गोटे के मृत्यु भ चुकल से बताओल गेल अछि। कोरोना संक्रमण से महोतरी में एक 4 वर्षीय बालिका के मृत्यु भेल। जिला के मनरा सिस्पा नगर पालिका एक के 4 वर्षक बालिका के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल। पेटझरी के बाद ओकरा जनकपुर स्थित जानकी हेल्थ केयर में भर्ना कैल गेल छल। मुदा ओत इलाज संभव नहीं भेलाक बाद थप इलाजक लेल धरान स्थित बीपी कोयराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में भर्ना कैल गेल छल। इलाजक क्रम में बीतला 27 गते स्वाब संकलन के परीक्षण कला पर संक्रमण पुष्टि भेल। बचिया के रवि दिन बेरिया मृत्यु भेल। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झा जानकारी देलन। तहिना कोरोना संक्रमण से वह नगर पालिका 4 के 40 वर्ष के हेल्थ असिस्टेंट के सेहो मृत्यु भेल। श्वास प्रश्वास में समस्या उत्पन्न भेलाक बाद भादो 10 गते काठमांडू लौ जाके क्रम में बाटे में हुनक मृत्यु भेल छल। जिला स्वास्थ्य कार्यालय महोतरी के अनुसार मनरा सिस्पा 4 रहनिहार 40 वर्षक हेल्थ असिस्टेंट के 3 दिन पहिने मृत्यु भेल। कोरोना संक्रमण पुष्टि भ गंभीर बीमार भेल हुनका इलाजक लेल महोतरी से काठमांडू लौ जात काल काभ्रे स्थित भकुंडे बेसी में मृत्यु भेल छल। एहि संगे महोतरी में कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु होबय वाला के संख्या 10 पहुंचल अछि। कोरोना संक्रमण तीव्र गति में बढ़ जा रहल संदर्भ में जन स्वास्थ्य में गंभीर असर पड़ सकबाक अवस्था के मद्देनजर करैत महोतरी जिला में निषेधाज्ञा के समय अवधि 6 बेर पुनः थपल गेल छ। प्रमुख जिलाधिकारी कृष्ण बहादुर कटवाल जिला में कोरोना के जोखिम बढ़ रहल आ समुदाय स्तर में फैलला से संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए थप सतर्कता अपनाबे निषेधाज्ञा के समय अवधि भादो 22 गते रात 12 बजे धरि के लिए पुनः बढ़ाओल गेल जानकारी देलन। प्रजय
कटवाल कोरोना संक्रमण के प्रभावकारी रोकथाम तथा नियंत्रण आई के संक्रमण नहीं फैल देबाक लेल जिला भर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकबा कोनो किसिम के गतिविधि नहीं कर नेपाल राजपत्र में तोकल अत्यावश्यक सेवा सब बाहे के अन्य सब सेवा आ स्थल सब फिर अगला एक हफ्ता धर के लेल स्थानीय प्रशासन 2028 के दफा 6-3 आ संक्रामक रोग 2020 के दफा 2 बमोजिम जिला सुरक्षा समिति के निर्णय अनुसार 6 बेर निषेधाज्ञा के आदेश देल गेल से जानकारी दिलन। वो अत्यावश्यक दुकान सब जना खाद्यान्न फल फूल तरकारी दूध डेयरी भिनसर 5 बजे से 11 बजे धरि अनिवार्य पंजा मास्क एवं सैनिटाइजर के प्रयोग कर सामाजिक दूरी कायम कर मात्र संचालन कर आग्रह कने छथि। कृत्य कागजात पेश कर नागरिकता लेने व्यक्ति से ऊपर कानूनी कार्यवाही कर जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में 18 उजुरी पड़ल है। कोनो व्यक्ति कृत्य कागजात पेश कर नागरिकता लेने प्रमाणित भेला पर ओहन व्यक्ति के नागरिकता रद्द हेबाक कानूनी प्रावधान है। कृत्य कागजात के आधार में नागरिकता दे वाला अधिकारी के सेहो कार्यवाही कैल जाएत है। मुदा जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा से कृत्य कागजात बना कर लेने व्यक्ति सबके नहीं तो नागरिकता रद्द भेल है नहीं नागरिकता दे वाला अधिकारी ऊपर कोनो कार्यवाही। 3 वर्ष पहले पड़ल उजुरी पर अनुसंधान कर कार्यवाही कर के ठाव में धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी सेहो मौन छथि। इस संबंध में प्रमुख जिलाधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराय जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में 18 उजुरी पड़ल स्वीकार करत जिला प्रशासन सिफारिश केलाक बाद गृह मंत्रालय ओहन नागरिकता सबके खारिज करबाक कानूनी प्रावधान रहल बतौलन। ओ पुरान उजुरी सबके संबंध में छानबीन प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कैलन। प्रजय भट्टराय स्वयं धनुषा में अलाक बाद से नागरिकता संबंधी एकोटा उजुरी नहीं पड़ल से जानकारी दिलन। भारतीय सीमा संग जुड़ल तराई मधेश के जिला में कर्मचारियों के संलग्नता में कृत्य कागज बनाकर भारतीय के नागरिकता बंटने प्रमाणित भेल रही तो प्रशासन मौन है। जनकपुरधाम उप महानगर पालिका 8 स्थित युगल विनोद कुंज के महंत राम दुलारी शरण के अपन पिता बनाकर उदयकांत झा नामक एक व्यक्ति 2051 साल चैत 15 वंशज के आधार में नागरिकता लेने छला। वो महंत के पिता बनाकर नागरिकता लेने रही तो हुनक वास्तविक जन्मस्थल भारतक मधुबनी जिला के रैमा गांव में है। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में अपना ऊपर छानबीन के उजुरी पर लाक बाद उदयकांत भारतीय प्रमाण नष्ट केने छथि। प्रशासन एखन धरि हुनका ऊपर छानबीन शुरू नहीं कर सकल है। युगल विनोद कुंज के उदयकांत झा कहलन उजुरी तो मंत्री ऊपर से हो पड़ित है। यदि हम भारतीय नागरिक छी से बात साबित भेल तो हम भारत जाय लेल तैयार छी। हुनक नागरिकता कृत्य रहल कहत पुलिस जिला प्रशासन कार्यालय में प्रतिवेदन सेहो बुझाब चुकल है। तहिना 2063 साल में नागरिकता टोली खटल समय में कृत्य कागजात से चंदेश्वर दास के अपन पिता बनाकर जन्म के आधार में कैलाश दास नामक एक व्यक्ति साबिक के बसैया सोनापड़ा 9 से नागरिकता लेने छल। इस संबंध में जनकपुरधाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 24 के वार्ड अध्यक्ष सत्यनारायण शाह तत्कालीन राजनीतिक संयंत्र कर्मचारी आ स्थानीय वासी समेत के संलग्नता में कृत्य सरजमीन मुचुलका बनाकर नागरिकता लेने चंदेश्वर कैलाश नामक व्यक्ति साबिक के बसैया सोनापड़ा आ एखुनका जनकपुरधाम 24 में नहीं रहल से बतौने छथि। नागरिकता एन 2063 अनुसार झूठ आकृत्य विवरण पेश कर नागरिकता लेवे वाला व्यक्ति के 1 वर्ष से 5 वर्ष धरि कैद सजाए आ 50,000 से 1,00,000 रुपया धरि जुर्माना के कानूनी व्यवस्था है। दंड सजाए के कड़ा कानूनी व्यवस्था रही तो सरकारी उदासीनता के कारण नकली नागरिकता खुलेआम घूम फिर आ व्यवसाय रहल देखल गेल। नेपाल में नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करबाक लेल संविधान तथा कानून से निर्धारण केने शर्त पूरा केने व्यक्ति कानून द्वारा तोकायल प्रक्रिया आ कार्यविधि पूरा कर जिला प्रशासन कार्यालय से नागरिकता के प्रमाण पत्र लेवे परबा कानूनी व्यवस्था सब गोटे के पालना करे पड़ित है। कानून नहीं करबाक चाहिए कहि कर वर्जित केने काज केने अवस्था में कानून निर्धारण केने सजाए के भागीदार सेहो बन पड़ित है। ओहन कोनो विदेशी व्यक्ति झूठ विवरण व बयान देलक अपने नेपाली नागरिक छी से कहि कर झुकिया कर नागरिकता के प्रमाण पत्र प्राप्त केने बात प्रमाणित भेला पर नेपाल सरकार ओकर नागरिकता के प्रमाण पत्र रद्द कर ओकरा नेपाली नागरिक से हटाबे के आदेश सेहो दे सकबाक कानूनी व्यवस्था है। जनकपुरधाम स्थित रामानंद चौक में स्थानीय रामानंद युवा क्लब प्रत्येक वर्ष मनबित दुर्गा पूजा के लिए सोम दिन बसकट्टी कैल गए। आई वर्ष कोरोना महामारी के अवस्था के मद्देनजर करत न्यून सहभागिता के बीच बसकट्टी विधि सम्पन्न कैल गेल। क्लबक अध्यक्ष मनमोहन शाह
जानकारी दिलन। क्लब रामानंद चौक में प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के भव्य आयोजना करत आब रहा है। मिथिला 26 वर्ष क्लब दुर्गा पूजा के आयोजना करत आब रहा क्लबक सदस्य रूपेश रोशन सिंह मुन्ना बतौलन। शुरू के वर्ष सब में 5 से 7 लाख देर खर्च भल आखन कि वर्ष से 18 से 20 लाख के लागत में भव्यता के संग पूजा कल जात मुदा वर्ष कोरोना महामारी के कारण बेसी तामझाम नहीं कल जात से क्लब जनौलक। वर्ष के 10वीं अगला कार्तिकीय गते के दिन घट स्थापना संगे शुरू होब लागल। अबेर के 10वीं में राष्ट्र बैंक नया नोट वितरण नहीं करत। नेपाल राष्ट्र बैंक हिंदू नेपाली सब की महान पावन 10वीं के अवसर पार कर हरेक वर्ष 5, 10, 20, 50 आ 100 के नोट नया नोट सब दैत आयल छल। अ वर्ष कोरोना वायरस फैल सकबाक कहत सरकार नया नोट वितरण नहीं करत। कोरोना वायरस के बढ़त संक्रमण के कारण नया नोट वितरण नहीं कल जायत राष्ट्र बैंक के मुद्रा व्यवस्थापन विभाग जनौलक। बैंक नया नोट वितरण नहीं कर बारे आसिन के पहल हफ्ता आधिकारिक जानकारी दैत जनौलक। प्रदेश 2 के बीरगंज में सेहो प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित के इलाज शुरू कल गए। रविवार रात नारायणी अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित के इलाज प्लाज्मा थेरेपी विधि से शुरू कल गए। अस्पतालक डॉक्टर उदय नारायण सिंह जानकारी दिलन। लगभग 1 महीना के प्रयास पश्चात बीरगंज में सेहो प्लाज्मा थेरेपी से संक्रमित के इलाज कर सफल भेल से डॉक्टर सिंह बतौलन। शनि दिन अस्पताल भर्ना भेल सरलाही के गोटे में रवि दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। निमोनिया से हो रहल ओहि पुरुष के नारायणी अस्पताल के आईसीयू में रखकर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कल गए। नारायणी अस्पताल के स्टोर प्रमुख दामोदर अधिकारी थेरेपी के लिए प्लाज्मा देने छला। प्लाज्मा चढ़ाओल गेल रोगी के अवस्था अखन क्रिटिकल रही तो सुधार के लिए चिकित्सक सब निरंतर प्रयास जारी रखने से डॉक्टर सिंह बतौलन। प्रदेश 2 में पहल बेर बीरगंज में प्लाज्मा थेरेपी विधि से संक्रमित के इलाज कल गए। वो कहलन इससे पहले काठमांडू पत्रिका वाहक प्रदेश 1 के धरान और प्रदेश 5 के बुटबॉल में प्लाज्मा थेरेपी विधि से संक्रमित के इलाज कल गए। डॉक्टर सिंह के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद तय केने मापदंड अनुसार बीरगंज में सेहो संक्रमित के प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कल गए। रोहतक में पुजारी हत्याकांड में संलग्न 2 गोटे फरार आरोपी पकड़ाएल। रोहतक के पुजारी श्रीराम साह के हत्या में संलग्न रोहतक के देवाही गुनाही नगर पालिका एक घर रहल राम नरेश पटेल और वह ठाम के बाल कुमार पटेल के पुलिस पकड़लक। भारत बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी ढाका थाना क्षेत्र से भारतीय प्रहरी के सहयोग में नेपाल प्रहरी ओकरा सब के पकड़ने बताओल गेल। माधव नारायण नगर पालिका 3 खेसरहिया टोली स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी साह के 3 गते हत्या कल गए। वो अपने पैसा लगानी क मंदिर बनौने छला। मंदिर के पुजारी साह के अज्ञात व्यक्ति गोली दाग के हत्या कने छल। हत्या में संलग्न रहल आरोप लागल देवाही गुनाही नगर पालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष नूरुल्लाह मिया वह ठाम के राजेंद्र पटेल कहिल पटेल और राम प्रवेश पटेल फरार। पुजारी हत्या आरोप में फरार रहल वार्ड अध्यक्ष मिया द्वंद काल में नेपाली सेना पुलिसक सुराकी के काज करत आयल छल। वो जनता समाजवादी पार्टी जसपा से निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष रहल से बताओल गेल। महोतरी में अवैध नदी उत्खनन करे वाला जेसीबी सहित एक गोटे के पुलिस पकड़लक। पकड़ायल व्यक्ति जेसीबी चालक गौशाला नगर पालिका 12 के 20 वर्षक सोनी नदाफ है। गौशाला नगर पालिका 12 स्थित बांकी नदी में अवैध रूप में गिट्टी बाउल उत्खनन कर रहा अवस्था में जेसीबी आ चालक के पकड़ल गेल। महोतरी प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बिष्ट जानकारी दिलन। अवैध उत्खनन भ रहा सूचना पेलाक बाद पुलिस प्रहरी चौकी कांति बाजार से खटल पुलिस अनटेस्ट जेसीबी सहित नदाफ के पकड़ने डीएसपी बिष्ट बतौलन। पकड़ायल जेसीबी आ नदाफ के आवश्यक कार्यवाही के लिए गौशाला नगर पालिका के कार्यालय में बुझाओल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला जनौलक। 12 में गाड़ी सहित 165 किलो गांजा भेटल। 12 के कोल्हबी नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के श्रीपुर गांव लग से गांजा भेट सोम दिन भिनसर करीब 9 बजे भेटल छल। वही समय में प्रदेश नंबर 3012481134 नंबर के 4 चक्के गाड़ी में 165 किलो गांजा सहित से पकड़ायल। सशस्त्र प्रहरी बेस कैंप कोल्हबी से खटल टोली विशेष सूचना के आधार में गांजा पकड़लक। सशस्त्र प्रहरी के बेस कैंप कोल्हबी के प्रमुख सुख बहादुर राणा भाट जानकारी दिलन। वो गांजा सीमावर्ती नाका भारतीय बाजार दिश ल जा रहा अवस्था में पकड़ल गेल। तस्कर पुलिस के देखलाक बाद गाड़ी छोड़कर गांजा तस्कर से भाग में सफल भेल छल।
बरामद भेल ओ गाड़ी आ गांजा जिला प्रहरी कार्यालय कलैया बारा पठाओल गेल। सशस्त्र प्रहरी बेस कैंप कोल्हबी के प्रमुख सुख बहादुर राणा भाट जानकारी देलनि। जनकपुर धाम में सोम दिन प्रदेश दू के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल के पुतला जराओल गेल। राष्ट्रीय एकता अभियानक युवा सब मंत्री सोनल के पुतला जरौने छल। सरकार उपभोक्ता समिति मार्फत संचालित योजना के करोड़ों बजट भुगतानी कर आनाकानी कर रहला से मंत्री सोनल के पुतला जराओल गेल से ओसब बतौलक। जानकी मंदिर के आगा मंत्री विरुद्ध युवा सब नाराबाजी केने छल। मंत्री सोनल के पुतला ओसब जरौलक आ युवा सब के ने पुतला दहन आ प्रदर्शन बारे प्रशासन के कोनो जानकारी नहीं छल। प्रदेश दू सरकार आर्थिक वर्ष 2075-76 में उपभोक्ता समिति मार्फत भेल 842 योजना के 86 करोड़ रुपया उपभोक्ता के भुगतानी नहीं देने अच्छ। उपभोक्ता सब भुगतानी नहीं भेट में मंत्री सोनल मुख्य दोषी रह से युवा सब आरोप लगौने छल। मंत्री सोनल के पुतला दहन तथा प्रदर्शन अभियान के राष्ट्रीय संयोजक विनय यादव के नेतृत्व में कैल गेल छल। प्रदेश दू के असफल बना संघीय प्रणाली के समाप्त करवा खेल में मंत्री सोनल लगला से उनका विरुद्ध सड़क पर आयल से अभियान के उपाध्यक्ष सुनीता साह जानकारी देने छली है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अपना राष्ट्रीय सभा में मनोनीत करबाक पार्टी के पूर्व निर्णय कार्यान्वयन कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग आग्रह कलने। पार्टी बितलाह फागुन में निर्णय क चुकला से स्वयं राष्ट्रीय सभा में जाय लेल तैयार रहल से नेता गौतम बतौलन। प्रधानमंत्री ओली अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतीवड़ा के राष्ट्रीय सभा में पुनः ल जाय के अड़ान में छथि, मुदा गौतम चेतावनी के भाषा में कहलन हमरा राष्ट्रीय सभा के सदस्य बनेबाक पार्टी के निर्णय कार्यान्वयन नहीं भेल 6 महीना बीत चुकल अछि। निर्णय से एम्हर उम्हर नहीं कर पायत, निर्णय कार्यान्वयन होबे पड़त। स्वयं राष्ट्रीय सभा में जायब नहीं कहने बतबैत गौतम कहलन हम नहीं जायब से नहीं कहने छनो, पार्टी के निर्णय कार्यान्वयन होबे पड़त। डॉक्टर युवराज खतीवड़ा के कार्यकाल समाप्त भेला कारण बितलाह 6 महीना से राष्ट्रीय सभा में एकटा सीट एखनो खाली अछि। महोतरिक मनरा सिसवा नगर पालिका 4 के 40 वर्षक हेल्थ असिस्टेंट के अपने घर में दवाई दुकान छल। गांव घर में आदमी सब सेहो कठिनाई भेला पर हुनके ओहिठाम जाय छल। पछिला बेर कोरोना वायरस के महामारी के समय में सेहो ओ खोखी पेट झरी आ बुखार सब लागल व्यक्ति सब के जांच करैत आयल छला। बादो पहिल हफ्ता ओ आ हुनक पत्नी दुनू बीमार पड़लन। माथ दुखा के बुखार लाग के शुरू भेल। स्वयं दवाई खेने रही तो कम नहीं भेलाक बाद जचाव 9 भादो में जनकपुर धाम आयल। वार्ड अध्यक्ष अताबुल डायन बतौलन जनकपुर धाम के चिकित्सक काठमांडू जाय लेल सलाह दिलाक बादो वह दिन घूर के फिर घर गेल छला। एम्बुलेंस के बंदोबस्त कलाक बाद पत्नी सहित इलाज कराब 10 भादो में भिनसर ओ सब घर से निकलल छला, मुदा रस्ते में दोनों के स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ल, श्वास प्रश्वास में कठिनाई भेल। एम्बुलेंस में एकटा मात्र ऑक्सीजन सिलिंडर छल, कखनो हुनक ओ अपने लगबे छला तो कखनो पत्नी लगबे छली से वार्ड अध्यक्ष रायन कहलन। बेरिया में बलखो स्थित वयोधा अस्पताल पहुंचला पर चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी के मृत घोषणा कलन। ओ आ हुनक पत्नी दोनों के स्वाब लेल गेल, 2 दिन के बाद दोनों के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल। एखन मृतक के पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार आयल आ चल फिर कल लागल से वार्ड अध्यक्ष रायन जानकारी देलन। मृतक स्वास्थ्य कर्मी के 46 वर्षक जेठ भाई के सेहो कोरोना संक्रमण अछि। सावन अंतिम हफ्ता बीमार पड़ल ओ जनकपुर धाम होइत काठमांडू गेल छला। हुनका सेहो श्वास प्रश्वास में समस्या भेल छल। काठमांडू के नर्भिक अस्पताल में जाकर इलाज करबाक क्रम में संक्रमण पुष्टि भेल, ओ एखनो अस्पताल में छथि। स्वास्थ्य कर्मी के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेलाक बाद हुनक संपर्क में रहल 80 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छ। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार में गामक 80 गोटे के स्वाब संकलन का रिपोर्ट नहीं आब धरि घरे में रह आग्रह केने से वार्ड अध्यक्ष रायन बतौलन। काठमांडूक वीर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत 2 गोटे चिकित्सक में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छ। इमरजेंसी में काज करवला 2 गोटे मेडिकल ऑफिसर में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आयल,
बताओल गेलै। संक्रमण पुष्टि भेलाक बाद दोनों चिकित्सक होम आइसोलेशन में रहल। इमरजेंसी में कार्यरत एक चिकित्सक जानकारी देलनि। ओ कहलनि ओ सब दोनों गोटे अखन घर में छथि। हॉस्पिटल व्यवस्था केलाक बाद मात्रे अस्पताल के आईसीयू में आबि सकै छथि। एहिसँ पहिने इमरजेंसी के एक कंसल्टेंट चिकित्सक में कोरोना संक्रमण भेल छल। ओ अखन इलाज के क्रम में छथि। बीर के जनरल फिजिशियन दोसर संक्रमित डॉक्टर त्रिवी शिक्षण अस्पताल में इलाज के क्रम में रहल से बताओल गेल अछि। सोमदिन विदेश से 409 गोटे नेपाली नागरिक सब घर घूरल छथि। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय के अनुसार सोमदिन हिमालय एयरलाइंस अबुधाबी से एक बच्चा सहित 155 गोटे नेपाली घर घूरल छथि। उमर नेपाल एयरलाइंस दुबई से 254 गोटे नेपाली के घर आनलक। एहि उड़ान से 4 लाश सेहो नेपाल आनल गेल। दुबई से नेपाल आब के क्रम में टिकट कटा चुकल किछु नेपाली ओवर स्टे के कारण जुर्माना नहीं बुझा सकलाक बाद विमानस्थल में रुकल बताओल गेल। लंबा समय ओवर स्टे भेला पर ओहि देश के अध्यागमन के बेसी दाम नहीं तीर सकल। करीब 1.5 दर्जन नेपाली दुबई एयरपोर्ट में रुकल। सोमक रात हिमालय आ नेपाल एयरलाइंस के जहाज दोहा के लिए उड़त। ई जहाज यात्रु लाद कर मंगल दिन नेपाल आयत। सोम दिन आंतरिक दिश समिट एयर काठमांडू से 4 यात्रु लाद कर डोलपा उड़ल छल। ओ जहाज घूरला पर 16 यात्रु काठमांडू लग आयल छल। समिट एयर के दोसर जहाज सिमिकोट से 18 गोटे यात्रु के काठमांडू लग गेल। मनांग के हेली तीन टा यात्रु लाद कर फापलू उड़ल छल। घूरला पर 2 यात्रु लग कर पहुँचल छल। मनांग के दोसर हेली 3 यात्रु सहित फापलू गेल आ एगोटे यात्रु लग कर आयल छल। कैलाश हेली 3 यात्रु सहित बुटबल गेल छल। घूरला पर 2 यात्रु काठमांडू लग गेल छल। सीता एयर सुर्खेत से 6 गोटे यात्रु के काठमांडू लग गेल से बताओल गेल अछि। वीरगंज महानगर पालिका प्रमुख विजय कुमार सराबगी के पिता चिरंजीवी लाल सराबगी के निधन भेल छ। 78 वर्षक हुनक काठमांडू स्थित ग्रांडी अस्पताल में इलाज के क्रम में रविवार रात 12:25 में मृत्यु भेल। नगर प्रमुख सराबगी कोशिश केलाक बादो पिता के नहीं बचा सकनौ से कहलन। लगातार 2 पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव आयल छल। 10 दिन पहिने कोरोना वार्ड से जनरल में लौ जाओल गेल छल। ओ कहलन अन्य दीर्घ रोग से गल चुकल छला। चिकित्सक प्रयास केने छथि मुदा नहीं बचा सकलथि। 14 अगस्त नगर प्रमुख सराबगी में कोरोना देखलाक बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पीसीआर परीक्षण करौला पर 22 अगस्त हुनक पिता में सेहो कोरोना पुष्टि भेल छल। तकरा बाद हुनका इलाजक लेल काठमांडू लौ जाओल गेल छल। स्थिति गंभीर बनत गेलाक बाद 24 अगस्त हुनका काठमांडू स्थित ग्रांडी अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। भादो 2 अगस्त कयल गेल पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव भेलाक बादो कोरोना मुक्त भेल छला मुदा हृदय में जटिल समस्या देखल गेलाक बाद अस्पताल के अति सघन कक्ष में राखि कर इलाज चल रहल छल। भादो 15 अगस्त सोम दिन भिनसर 10 बजे काठमांडू स्थित पशुपति आर्यघाट में हुनक दाह संस्कार कयल गेल। विक्रम संवत 2000 में जन्मल चिरंजीवी सराबगी वीरगंज में समाज सेवी के रूप में परिचित छलाह। व्यापार व्यवसाय संघ ओ वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष मारवाड़ी परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष लायंस क्लब के गवर्नर लगायत दर्जनों सामाजिक संघ संस्था के जिम्मेवारी संभालने छलाह। हुनक नगर प्रमुख विजय कुमार सराबगी सहित 2 पुत्र आ 1 पुत्री छथि। सप्तरी में उच्च बुखार आ पेटझड़ी लागल एक युवक के मृत्यु भेल। कंचनरूप नगर पालिका वार्ड नंबर 10 बदगामा निवासी 25 वर्षक युवक के रविवार रात मृत्यु भेल। हुनका पिछला 1 हफ्ता से बुखार लगे छल। किस दिन से पेटझड़ी से सेहो चिकित्सित भेलो गामे में इलाज करबैतल छला। रवि दिन स्वास्थ्य अवस्था गंभीर भेलाक बाद इलाजक लेल गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज लऽ जाओल गेल छल मुदा ओतय से रेफर केलाक बाद थप इलाजक लेल विराटनगर दिस लऽ जाओल गेल छल। रस्ते में अवस्था थप गंभीर भेलाक बाद सुनसरी के इनरवा अस्पताल में भर्ना करय लगला पर मृत्यु भेल। कंचनरूप नगर पालिका स्वास्थ्य शाखाक सह संयोजक डम्बर गुप्ता जानकारी देलनि। हुनक अनुसार युवक के लाश के घर आनलाक बाद सोम दिन भिनसर स्वाब संकलन कयल गेल। कोरोना संक्रमण भऽ सकबाक आशंका में हुनक दाह संस्कार में संलग्न हो वाला व्यक्ति के लिए नगर पालिका पीपी उपलब्ध कराने से गुप्ता बतौलन।
भारतक सर्वोच्च अदालत अदालत आ न्यायाधीश के अवमूल्यन के मुद्दा में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के 1 रुपया जुर्माना के फैसला सुनौलक। भूषण 15 सितंबर धरि जुर्माना नहीं तिरला पर हुनका 3 महीना के जेल सजाए आ 3 वर्ष धरि कानूनी अभ्यास में प्रतिबंध लगाओल जाए। प्रशांत भूषण अदालतक फैसला लगले ट्विटर में लिखने छथि, हम मित्र तथा वकील राजीव धवन हमरा फैसला लगले 1 रुपया दिलन जे हम खुशी साथ स्वीकार केनौ। अदालत आ प्रधान न्यायाधीश ऊपर टिप्पणी केने मुद्दा में सर्वोच्च अदालत प्रशांत भूषण के 14 अगस्त में दोषी ठहर केने छल। अदालत भूषण के अगला हफ्ता बिना शर्त माफी मांग के मौका देने छल, मुदा ओ अस्वीकार केने छला। ओ कहने छला जे माफी मांगब तो ओहिसँ बढ़िया अंतरात्मा अदालत के अवमूल्यन होयत। प्रशांत भूषण केने 2 ट्वीट के सर्वोच्च अदालत अदालतक अवमूल्यन मानने छल। पहिल ट्वीट 27 जून में कयल गेल छल, जाहि में लिखल छल, जखन इतिहासकार भारतक विगत 6 वर्ष के देखत त पैत जे कोना संकट काल नहीं लगा देश में लोकतंत्र समाप्त कैल गेल। ओ सब सर्वोच्च अदालत खास कर 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश के भूमिका में प्रश्न उठबे छथि। दोसर ट्वीट 29 जून में कैल गेल छल, जाहि में प्रधान न्यायाधीश एस बोबडे के हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल संग के फोटो पोस्ट कैल गेल छल, जाहि में प्रधान न्यायाधीश हेलमेट आ मास्क बिना छला। ओ ट्वीट में लिखल छल जे प्रधान न्यायाधीश लॉकडाउन में अदालत बंद कऽ कऽ जनता के न्याय देब अस्वीकार केने छथि। प्रदेश नंबर 2 में सहकारी अभियान के आगा बढ़ेबाक उद्देश्य के संग भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय 100 सहकारी संस्था के कंप्यूटर सेट प्रदान कलक। मंत्रालय प्रदेश के 8 जिला के 100 सहकारी संस्था के 70,000 बराबर के कंप्यूटर सेट हस्तांतरण कलक। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह सहकारी संस्था सब के हिसाब किताब पारदर्शी राखा आ प्रविधि मैत्री बनाब के उद्देश्य से कंप्यूटर वितरण कैल गेल बतौलन। ओ कहलन गरीबी निवारण तथा कृषि एवं अन्य छोट व्यवसाय प्रवर्धन कर आ आर्थिक उपार्जन बढ़ाब लेल सहकारी के भूमिका महत्वपूर्ण रहला से सहकारी के और सशक्त बनेबाक उद्देश्य से कंप्यूटर सहयोग कैल गेल। सहकारी के हिसाब किताब राखा आ सॉफ्टवेयर के तालीम संगे सहकारी के मजबूत बनाब के लिए प्रदेश सरकार सदैव तत्पर रहत से बतौलन। मंत्रालय धनुषा के 26, महोतरी के 12, सिरहा के 12, सप्तरी के 12, बारा के 10, परसा के 6, रौथट के 10 आ सरलाही के 12 के जमा 100 सहकारी संस्था के प्रक्रिया आ मापदंड पहुंचा कर कंप्यूटर वितरण केने से मंत्री शाह जानकारी देलन। जनकपुर धामक सोना चांदी व्यवसायी एवं जानकी फाइनेंस कंपनी के अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता एक स्थानीय पत्रिका अपन चरित्र हत्या करबाक उद्देश्य से तथ्यहीन आ कपोकल्पित समाचार प्रकाशन केने आरोप लगौलने। सोमदिन एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर गुप्ता और स्थानीय पत्रिका के संपादक खरीद केने कहल गेल जग्गा आ रसिक बिहारी भगवान तेलीकुटी जग्गा के सीमाना विवाद में बल प्रयोग कर देवाल तोड़ल गेल संबंध में एक सचेत नागरिक के हैसियत से सार्वजनिक आ गुठी के जग्गा संरक्षण कर मत जाहिर केला पर अपना विरुद्ध अपन संस्था संगे जोड़ के समाचार प्रकाशन केने कहलन। ओ सार्वजनिक आ गुठी के जगह संरक्षण होब पर बाक मांग केने तामस में आबि कऽ अपन चरित्र हत्या होबो जकाँ हमर व्यक्तिगत जीवन संगे संबंधित विषय में जोड़ कर तथ्यहीन आ कपोकल्पित समाचार प्रकाशन केने से विज्ञप्ति मार्फत बतौने छथि। संगे अपना विरुद्ध लगाओल गेल आरोप संबंधित संचार माध्यम नहीं सोचौलक त कानून बमोजिम उजूरी करब बाध्य होयब जानकारी सेहो विज्ञप्ति मार्फत देने छथि। गुप्ता विरुद्ध हुंडी कारोबारी, भारतीय नकली नोट के कारोबारी, सोना तस्कर आ पत्नी के हत्या केने आरोप सहित के ओ स्थानीय पत्रिका समाचार प्रकाशन केने छल। समाचारक अंत में मुख्य समाचारक शीर्षक पुनः एक बेर। भारतक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन, राष्ट्रपति भंडारी द्वारा दुख व्यक्त। काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य के कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमण से सोमदिन थप 7 गोटे के मृत्यु, प्रदेश 2 में 4 गोटे संक्रमित के मृत्यु। प्रदेश 2 में सोमदिन प्रदेश सभाक 5 गोटे कर्मचारी सहित 196 गोटे संक्रमित। कोरोना संक्रमण से महोतरी में 4 वर्षीय बालिका के मृत्यु। महोतरी में 6ठम बेर भादो 22 गते रात 12 बजे धरि के लिए निषेधाज्ञा लगाओल गेल। धनुषा में कृत्य नागरिकता संबंधी 3 वर्ष में 18 उजूरी, कार्यवाही करे वाला निकाय मौन। पुजारी हत्या में संलग्न 2 गोटे आरोपी पकड़ायल, वार्ड अध्यक्ष सहित 4 गोटे अखनो फरार। जनकपुर में युवा सब जरौलक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल के पुतला आ वीरगंज के मेयर विजय सरादगी के पितृ शोक।
बेस्ता एक संग एखनुक जनक नंदनी समाचार एतहि समाप्त भेल। एखनुक समाचार सँ हम दीपक जेबाक आज्ञा चाहै छी। सुनैत रही जनक नंदनी FM 95.5 MHz आ देखैत रही सेंचुरी टाइम्स के फेसबुक पेज लाइव। नमस्कार।